i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 46 and we are going to talk about total leadership yields real results and when we are talking about leadership obviously we are associated with the yield with the results we are associated with the not only just output but we are associated and related with the outcome as well and that outcome can only be achieved when we are acting as a total leader, so to involve ourselves the total leadership, there are certain things we need to bear in mind that the total leadership is there to make people become more focused. If practice in exercises ko book cover we will be able to come up with more focused concerns about our life. The second main aspect. जो इस लीडरशिप ट्रेनिंग से हमें हासिल हो सकता है दैट इज कोर वैल्यूज सरफेस विल बी एबल टू एक्सप्लोर कि दरअसल वो क्या प्रायोरिटीज हैं दरअसल वो क्या वैल्यू सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा है द थर्ड थिंग इज दैट विल बी एबल टू एक्सप्लोर वाइल गोइंग थ्रू द एक्सरसाइजेज ऑफ टोटल लीडरशिप हाउ कैन वी एलोकेट अवर राइट फुल अटेंशन एंड हाउ कैन वी डिवेलप अवर राइट सेट ऑफ स्किल्स एंड रिसोर्सेज एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दट विल बी एबल टू अप विद अलाइनमेंट इन अवर एक्शन एंड द वैल्यूज और जब तक हम एक्शन एंड वैल्यूज को आपस में अलाइन नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली हम राइट फुल रिटर्न हासिल नहीं कर सकते हैं सो बींग अडर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर अवर थ्री सिक्सटी डिग्री सर्कमस्टांसिस अवर थ्री सिक्सटी डिग्री स्टेक होल्डर्स एंड टू फाइंड आउट उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हमारा ताल्लुक हमारा वास्ता वो कैसा है और उस ताल्लुक और उस कंसर्न को हम किस तौर स्टेब्लिश करें कि जिससे हम अपना राइटफुल आउटकम वो हासिल कर सकें जिससे कि हमारा इंपैक्ट वो मैक्सिमाइज हो सके इसके अलावा याद रखिएगा कि टोटल लीडरशिप के कंसर्न्स में वील बी एबल टू अचीव व्हाट रियली मैटर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइफ में उन फैक्टर्स पर फोकस किए रहते हैं विच आर नॉट एक्चुअल एक्चुअली द रियल इशूज तो वो रियल एस्पेक्ट्स क्या हैं जो हमारी तवज्जो डिमांड कर रहे हैं वो हम तभी जान पाएंगे जब हम लीडरशिप की प्रैक्टिस को गो थ्रू करेंगे टोटल लीडरशिप इज टॉकिंग अबाउट एंड परफॉर्मेंस इसका फोकस सिर्फ एक शख्स की पर नहीं है जबकि हम 360 डिग्री की बात करेंगे जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उन तमाम स्टेक होल्डर की रिस्पेक्टिव सेटिस और उनकी रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस को हमने मद्देनजर रखना है वी ऑल्सो नीड टू सी हम मयरेबल चेंजेस के साथ अपने कॉन्टेक्स्ट को एलेबोरेट कर सकें बिकॉज जब तक चीजों को आप मैयर नहीं कर पाओगे तब तक आप उन्हें डेवलप नहीं कर पाओगे सो so, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हम स्मार्ट फैशन में असेस कर सकें कि हमें कब कहां क्यों कैसे किन चीजों की जरूरत है एंड वी हैव टू बी स्पेसिफिक मयरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेमड इसी के साथ साथ हमें ज्यादा रिजिलियंट होना पड़ेगा रेजिलियंट इसलिए होना है कि जिंदगी की इस दौड़ में अक्सर चीजें स्मूद नहीं होती सो वी ऑल्सो नीड टू बिकम मोर परसिस्टेंट मोर रादर देन जस्ट कंसिस्टेंट बिकॉज कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स स्मूद रोड जबकि परसिस्टेंस के साथ हम ऑब्स्टेकल्स को चैलेंजेस को भी ओवरकम वो कर पाएंगे देयर फॉर रिमेंबर माई डियर स्टूडेंट्स दैट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ टोटल लीडर व टू सी के किन किन स्टेजेस से गुजरकर हम अपने टोटल लीडरशिप कंसर्न को डेवेलप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट फ्रॉम एज ए इनकम्प्लीट लीडर विच माइट बी फेक अनफोकस्ड एंड रूटलेस और उस फेक अनफोकस्ड और रूटलेस पर्सन को हम थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ बींग रियल हम उसको डिवेलप कर सकते हैं टूवर्ड्स द टोटल लीडर और बींग रियल से मुराद क्या होगा दैट यू हैव टू एक्ट विद ऑथेंटिसिटी बाई क्लैरिफाइंग वट इंपोर्टेंट आप अपने लिए हरारकी ऑफ प्रियोरिटी वो सेट कर सको एंड वेन यू आर एबल टू सेट द दरारकी ऑफ प्रियोरिटी फॉर यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ तो उससे आप जेन्युन पर्पजफुल और ग्राउंडेड लीडर के तौर पर वो सबके सामने आ सकते हो इसी तरह इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रेगमेंटेड रिजेंटफुल एंड ओवर तो हमें बी होल होने की जरूरत है एंड टू बी होल वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कम अप विद विद द एक्ट इंटीग्रिटी बाय रिस्पेक्टिंग द होल पर्सन हम उसके तमाम तर एस्पेक्ट्स को जांच सकें माप सकें हम उसके टोटल ह्यूमन अप्रोच को अंडरस्टैंड कर सकें कि जिसके मुताबिक सिर्फ एक शख्स साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मरकब नहीं है जबकि बहुत से सोशल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ वो वस्ता है

curious, engaged or optimistic hojange. so to become a total leader who is genuine, purposeful, grounded, connected, supported and resilient and curious, engaged and optimistic, we have to go through the exercises of be real, be whole and innovative. if i conclude the whole discussion, so my dear students, when we are talking about total leadership, we are focused upon our 360 degree concerns. और उन 360 डिग्री कंसर्न्स में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ हमें अपनी एसोसिएशन सही तौर पर स्टेब्लिश वो करनी है थैंक यू